हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बारे में कि ये कैसे बनती हैं, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है और कैसे ये काम करती हैं। देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो होती हैं वो पुलिस नेताओं और जो सोल्जर्स होते हैं हमारी आर्मी के लिए, उनके लिए यूज होती है। ये बुलेट को पेनिट्रेट करने से रोकती है, मतलब इसके थ्रू बुलेट पास नहीं हो पाती है, जिससे किसी भी इंसान की जान बच सकती है अगर उसने युद्ध के दौरान या किसी रायट के दौरान वो पहनी हुई हो तो। तो ये कैसे काम करती है, पहले हम ये सीखते हैं कि बुलेट कैसे काम करती है। देखिए, बुलेट जब फायर होती है तो बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा इंपैक्ट एक छोटे से सरफेस एरिया पर कॉन्सेंट्रेट होता है, इसीलिए कोई भी बुलेट किसी जगह पर पेनिट्रेट कर पाती है, घुस पाती है। जब आप ज्यादा फोर्स को, ज्यादा ताकत को, आप कह सकते हैं देसी भाषा में, एक छोटे से पॉइंट पर, एक छोटी सी बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं तो बहुत ही शक्तिशाली इंपैक्ट छोड़ती है और वो चीज वहां घुस जाती है। जैसे सूरज की किरणें, आप नॉर्मल सूरज की किरणें देखते हैं, अपने त्वचा पर महसूस करते हैं तो क्या आप जल जाते हैं? नहीं जलते। वहीं अगर आप लेंस से सूरज की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दें तो आपका हाथ जल सकता है और ज्यादा देर तक रखेंगे तो आपके हाथ में छेद भी हो सकता है। तो ये सारा के जो केस है, ये सब है किसी भी एनर्जी को एक पर्टिकुलर एरिया पर कॉन्सेंट्रेट कर देना, बहुत छोटी सी एरिया पर, ठीक है। ऐसे ही कील, ऐसे ही बुलेट काम करती है। तो बुलेट बहुत सारी एनर्जी एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित होकर काम करती है और वो बुलेट वहां घुस जाती है। अब क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि उस छोटे बिंदु पर जो केंद्रित एनर्जी है उसको फैला दिया जाए तो बुलेट नहीं घुस पाएगी। वही काम बुलेट प्रूफ जैकेट भी करती है, वो बुलेट से आई हुई एनर्जी को फैला देती है ताकि उसका इंपैक्ट कम हो सके और वो बुलेट अंदर ना जा सके। आमतौर पर दो तरीके की बुलेट प्रूफ वेस्ट होती हैं, इन्हें आप बुलेट प्रूफ जैकेट भी कह सकते हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट भी कह सकते हैं। तो बुलेट प्रूफ जैकेट दो प्रकार की होती है, एक सॉफ्ट वाली होती है जिसमें सिल्क के कपड़े और अलग अलग कपड़ों के मटेरियल का इस्तेमाल होता है, और एक जैकेट होती है जिसमें सेरामिक, मेटल, ऐसे हार्ड और हैवी मटेरियल यूज होते हैं। जो पुलिस फोर्स होती है या आप कह सकते हैं जो वीआईपीज होते हैं जिनको खतरा है कि कोई उन्हें गोली ना मारते, उनकी सुरक्षा के लिए सॉफ्ट वाली बुलेट प्रूफ जैकेट यूज होती है। उसमें क्लोथिंग होती है, कपड़ा यूज होता है ऐसा जो बुलेट को अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देता, जिससे उनकी जान बच जाती है। अब ध्यान ये रहे कि वो जो कपड़ा है वो उस इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर वो इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो बुलेट अंदर नहीं धस पाएगी, ठीक है। उसका जो वजन होता है कपड़े वाली का वो बहुत ही हल्का होता है, आप कह सकते हैं 7 किलो, 8 किलो, 15 किलो या उससे भी कम भी हो सकता है। हल्के हल्के मटेरियल से भी आजकल बनी हुई आ रही हैं बुलेट प्रूफ जैकेट। जो दूसरे प्रकार की जैकेट होती है वो हमारे सोल्जर्स, ऐसे लोगों के पास होती है, आर्मी में लोगों के पास होती है जिनका सामना बहुत ही हैवी वेपन से होता है, स्नाइपर से होता है और हैवी कैलिबर्स की जो गन होती है उनसे होता है, जिनकी पावर बहुत ज्यादा होती है, उनकी गोलियां इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, स्नाइपर की गोलियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनका इंपैक्ट बहुत जोरदार होता है, तो वहां कपड़े वाली जो है काम नहीं करेगी। इसीलिए वहां पर मेटल वाली, सेरेमिक यूज करने वाली, जो सेरेमिक जिसके अंदर होता है वो वाली बुलेट प्रूफ जैकेट यूज की जाती है। उनका भी प्रिंसिपल कुछ ना कुछ तो सेम ही है, यही एकदम ऐसा ही तो नहीं कहेंगे लेकिन मिलता जुलता है। वो भी इंपैक्ट को बांट देते हैं क्योंकि मेटल कैसे रोक लेता है कि वो हार्ड सर्फेस है, वो इंपैक्ट को बांट देता है जिससे वो गोली पेनिट्रेट नहीं कर सकती। अगर हिस्ट्री में जाके देखें तो 1840 में पहली बार बुलेट प्रूफ जैकेट बिकी थी। डुबलिन एक जगह है आयरलैंड में, वहां पर पहली बार बिकी थी बुलेट प्रूफ जैकेट। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1915 के दौरान अमेरिका ने पहली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई थी और लोगों ने इस्तेमाल की, देखी। और जो बात ध्यान में रखने वाली वो ये है, याद करने वाली, कि जो पहले बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनी थी वो आजकल के मॉडर्न वेपन्स के हिसाब से नहीं बनी थी। पहले आपको पता है जो अंग्रेज भी भारत में आए थे तो उनकी जो गोलियां होती थी वो गाय की चर्बी से चला करती थी, वो इतनी ज्यादा मारक क्षमता उनमें नहीं थी, तो उनको रोकने के लिए तो नॉर्मल मेटल की एक शील्ड भी चल जाया करती थी। आजकल के जो वेपन हैं जो बिल्डिंग्स की दीवारों तक को पेनिट्रेट कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि नॉर्मल बुलेट प्रूफ जो जैकेट है वो बिल्कुल काम नहीं करेगी उसके लिए। उसके लिए आर्मी वाली जो हार्ड वाली, भारी वाली, 40-40, 30-30 किलो की जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं वो काम में आती हैं। तो हमने आज क्या सीखा, बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे काम करती है, बुलेट के इंपैक्ट को फैला देती है जिससे एक बिंदु पर कोई भी फोर्स, कोई भी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है, जिसके कारण बुलेट अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इसी सिद्धांत पर बुलेट प्रूफ जैकेट काम करती है और साल में कई लाखों पुलिस ऑफिसर्स,
कि आर्मी वाले लोगों की ये जान बचाती है, बहुत अच्छी चीज है ये। आई होप इसके बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे काम करती है। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप मुझसे और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों का उत्तर दूं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, गुड बाय।